लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग कितने दिनों बाद शुरू हो रहा है बताओ? एक हफ्ते। लोगों ने इतने सारे प्लान बनाए ना बाहर जाने के, रिवर राफ्टिंग के, पहाड़ घूमने के। आगे ये बैठेगा ना गाइस तो जो नाव होगी ना वो ऐसे ही हो जाएगी। इनको आगे बिठाएगा भाई। तुमको लेके कौन जा रहा है? मैं अपने आप चली जाऊंगी। ये देखो ये कुर्ती भाई, ये समथिंग 600 रुपए की थी, 500 की थी, और ये 150 रुपीज में मिल रही है। बताओ, जो घर का काम हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा आगे तक का हो गया है। आप में से काफी लोग बोल रहे हैं भाई घर तो दिखाया नहीं, भाई सीधे नींव ही दिखाई थी, नीचे नीचे की जो बाउंड्री बनती है उसके बाद का मैंने प्रोसेस दिखाया नहीं था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग कितने दिनों बाद शुरू हो रहा है बताओ? एक हफ्ते बाद, समथिंग 8 या 9 दिन, आज का शायद 9वां दिन है और आज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। बट गाइस ये एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। देखो मैं इतना खुश हो के पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा बुरा लग रहा है बिकॉज आप लोग सोच रहे हो कि भाई बंदा एक्टिव ही नहीं है, वही है कि 4 दिन के लिए बंदा आ गया वीडियो में, मतलब यूट्यूब में, उसके बाद अब ये वीडियोज नहीं डाल रहे हैं, क्या हो गया इन लोगों को, कुछ आइडिया नहीं था। बट गाइस आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं और अभी का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8:30, पता नहीं 9 बजने वाले हैं। हाँ 9 बजने वाले गाइस। बता दूं कि हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू लेके आते, मतलब हम कंटिन्यू ही बनाते, बट घर में काम चल रहा था। दूसरा रीज़न एक ये भी था कि हम लोग ने बाहर के भी कितने सारे प्लान्स बनाए। 2 मिनट रुको, वो काम चल रहा ना बाहर यार, तभी यही रीज़न था भाई कि मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था घर में। हाँ वो पीछे से शोर हो रहा है ना। बट गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने इतने सारे प्लान्स बनाए ना बाहर जाने के, रिवर राफ्टिंग के, पहाड़ घूमने के, बट वो सारे के सारे मिस हो गए बिकॉज कुछ फ्रेंड थे जो कभी हम लोग प्लान जैसे बनाते ना तो कुछ दोस्त होते कि पहले तो हाँ कर देते हैं, फिर उसके बाद होता है कि भाई नहीं जा पाएंगे, निकल रहे हैं आज, निकल रहे हैं कल, निकल रहे हैं 2 दिन बाद निकलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो ऐसे करते करते 8 दिन तक भाई हम ब्लॉग नहीं बना पाए। बाकी आप लोग पीछे की आवाज़ को इग्नोर करना बिकॉज वो काम चल रहा है ना। बाकी गाइस मैं अभी आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मैं एक मस्त से बंदे से मिलाता हूं। वैसे तो आप लोग शायद ही जानते होंगे बिकॉज ये बहुत कम आता है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस ये है मेरा भाई अनिकेत भाई, एंड ये अभी आ गए थे देहरादून से। देहरादून रहते हैं भाई समथिंग 2 दिन पहले, बिकॉज मैं ब्लॉग बना नहीं पाया उस टाइम जब ये आया था। तो आज मैं आपसे मिला रहा हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जो बचपन के लंगोटिया यार नहीं होते वो चीज़ थे भाई, जो बचपन से हमने साथ में जो स्ट्रगल्स किए हैं, अप्स एंड डाउन देखे हैं, घर वालों की मार भी खाई साथ में, इनके पापा जी ने हमको दौड़ाया भी था भाई, डंडे से मारा था भाई। बट उस टाइम हमारे थोड़े काम भी वैसे वाले थे ना, पिटाई खाने वाले, उल्टे काम थे ना, घूमने फिरने वाले, रात भर गायब हो जाना, ये सब चीज़ें थी। तो फिलहाल अभी तो भाई जॉब कर रहे हैं, मस्त जॉब कर रहे हैं, बाहर ही रहते हैं अभी तो। मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, ये अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ मेरे एक दो फ्रेंड और हैं जो बेस्ट फ्रेंड है बचपन के यार, वो भी अपना जॉब कर रहे हैं, तो सब मस्त लगे हुए हैं। चारों भाई थे बचपन में, ऐसा था कि चारों भाई एक साथ घूमते थे, बट आज एक ऐसा टाइम हो गया है कि हम जब चारों मिलते हैं ना तो इतनी खुशी से मिल जाते हैं बिकॉज इतने टाइम के बाद मिलते हैं और सभी अपने अपने काम में बिजी है। तो यही है कि अच्छा लगता है यार अपने दोस्तों से मिलके ना, बहुत बहुत टाइम बाद। एंड गाइस एक शख्स और है, उनसे ही मैं आपको मिलाना चाहूँगा, वो अभी अंदर है। अब आप जानते ही होंगे यार उन्हें तो हमेशा की तरह, प्रिया हमारे साथ है बिकॉज हम लोग लास्ट टाइम गए थे अमावस्या, और अमावस्या का ब्लॉग भी मैंने नहीं बनाया बिकॉज मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, वो बहुत मस्त था। बट गाइस अभी हमारे साथ प्रिया आ गई हैं और मैं आपको प्रिया से मिलाता हूँ। देखो गाइस सुबह सुबह नया नया चेहरा भाई, नए नए बंदों के चेहरे में जब ब्लॉग में आते ना भाई, नया नहीं है मेरा पुराना चेहरा नहीं, मतलब वैसे ना काफी टाइम के बाद अनिकेत भाई जैसे थे तुम थे। कैसे, तू क्यों हंस रहा है? मैं आपको बता दूं कि ये क्यों हंस रहा है, ये बोल रहा है भाई कि मैं जब कैमरे के आगे आता हूँ ना तो मैं सारा कुछ भूल जाता हूँ कि क्या चीजें बोलनी क्या चीजें नहीं बोलनी। बट गाइस मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया है और अभी धीरे धीरे अनिकेत भाई को भी सिखा देंगे बिकॉज कुछ टाइम के बाद ना तू यहीं पर ही शिफ्ट हो जाएगा ना देहरादून से, या फिर नहीं होएगा, हो सकता है ना। बट गाइस इसका ट्रांसफर कोशिश तो करें कि इसका ट्रांसफर हो जाए। बाकी अभी प्रिया गई है छत के ऊपर कपड़े वगैरह उठाने के लिए, रुद्रपुर वगैरह ये आ जाए, मतलब पास में आ जाएगा हमारे, तो भाई मस्त हम लोग 1-1.5 घंटे की राइड होती है वो मार के हम लोग चले जाएंगे, है ना। बट गाइस कल का सीन मैं बता दूं, कल बहुत खतरनाक ही सीन हो गया था भाई। हम लोग को कल निकलना था राफ्टिंग के लिए और हमने मतलब प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे। हम लोग पिथौरागढ़ साइड जाने वाले थे, राफ्टिंग के लिए जाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर की थी, मतलब सोची थी आप लोग के लिए ब्लॉग के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम समथिंग 8-9 दिनों का हमने ब्लॉग नहीं बनाया। बट गाइज वो सारा कुछ चौपट हो गया एंड अभी मेरे को फिर से घर पे ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। बट ठीक है, आप लोग के लिए अपडेट मैंने मतलब अपडेट भी देना था और ठीक है, मतलब बस जाएंगे राफ्टिंग करने के लिए भी जाएंगे ना। आगे मैं बैठूंगा पर आगे तू बैठी भाई, टेंशन ना लियो यार, आगे बैठूंगा। आगे ये बैठेगा ना गाइज तो जो नाव होगी ना वो ऐसे ही हो जाएगी। वो ऐसे नहीं रहेगी, वो ऐसे हो जाएगी तेरे को भाई, वो बंदा पता बीच में बिठाएगा, वो कहेगा भाई हैवी वेट,
इनको आगे बिठाएगा भाई। तुमको लेके कौन जा रहा है? मैं अपने आप चली जाऊंगी। भाई बंदे लोग देखो भाई पहले से ही प्लानिंग कर ली है। बट भाई गाइस आपको बता दूं कि हमारा जो घर का काम हो रहा है ना वो बहुत ज्यादा आगे तक का हो गया है। आप में से काफी लोग बोल रहे हैं भाई घर तो दिखाई नहीं, भाई सीधे नींव नींव ही दिखाई थी, नीचे नीचे की जो बाउंड्री बनती है उसके बाद का मैंने प्रोसेस दिखाया नहीं था। तो गाइस ये देखो कितना सारा प्रोसेस हो गया भाई, पूरा ऑलमोस्ट काम हो गया इसमें। बाकी अभी हमने वो मंगा रखे लेंटर डालने के लिए, उसका रेता बजड़ी जो भी होता है वो सब मंगा रखा है, अभी वो आता है फिर इसका लेंटर डालने का काम चालू हो जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस फाइनल लास्ट है ना है? हाँ। अभी चैनल वगैरह जो बनवा रखा है वो सारे नहीं आए हैं, हाँ गेट के लिए छोड़ रखा है, बिकॉज गेट जब तक नहीं आएगा ना जब तक लेंटर नहीं डाल सकते, तो वो भैया जो जिनको हमने ऑर्डर में दिया था ना, हाँ छत नहीं डाल सकते मतलब, तो जिन भैया को हमने लेंटर डालने के लिए बोला, सॉरी जिन भैया को हमने शटर नहीं लगेगा तो फिर तो लेंटर तो डल ही नहीं सकता ना ऐसे। तो अभी वो बनेगा, मतलब बनेगा क्या, हाफ बन गया है अभी, हमें जल्दी में चाहिए था बट उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, अभी शायद एक दो दिन का टाइम और लगेगा, बिकॉज वो कल को आए थे शाम को देखने के लिए जो मिस्त्री भैया थे जो हमारा चैनल वगैरह बना रहे हैं, फिर उसके बाद वो लगेगा, फिर उसके बाद लेंटर पड़ेगा तो जाके फाइनल होगा, फिर उसके बाद प्लास्टर वगैरह है, मतलब ए टू जेड काम सारा निपटा ही देना इस बार, मतलब इस वाले घर की तरह नहीं रखेंगे हम उसे, पूरा फाइनली कर देंगे। तो अभी यहाँ पर वो वाला जो बजड़ी है वो उठा के हमें यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रक ट्रक आएंगे ना बजड़ी वाले वो यहाँ पर हमें स्टोर करना, बिकॉज जगह है ही नहीं। तो फिर तो गाइस अभी मेरे को प्रिया को छोड़ने के लिए जाना है सितारगंज ना। आज क्या है तुम्हारे हॉस्टल में? आज गवर्नमेंट की तरफ से विजिट करने को आ रहे हैं। अच्छा मतलब इनकी चेकिंग चूकिंग होनी है। चेकिंग तो समझ में आया, चूकिंग क्या होता है? हाँ मतलब चेकिंग होनी है तो आज इनको जाना है भाई विजिट करना है। तो गाइस प्रिया को छोड़ने जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मतलब जो मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए। हम लोग कल को गए थे, कहाँ गए थे? V2 शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमने जाकर के देखा ना जो 500-600 की चीजें थी ना वो 150 रुपीज मिली थी, मतलब 150-150 रुपए मिली थी। तो गाइस आप लोग भी जा सकते हो, बाकी मैं अभी आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ कि प्रिया क्या चीज लेके आई थी। सिनेमेटिक क्या, पहले आप देख लो, ये देखो दिखाओ जल्दी दिखाओ, ये देखो ये 150, ये 150 अराउंड, ये 400 का था बट ये 150 मिल गया हमको, ये 220 का था पता नहीं ऐसी कुछ का था, ये 150 मिल गया। एंड सबसे मेन चीज़ है ये देखो ये कुर्ती भाई, ये समथिंग 600 रुपए की थी, सॉरी 500 की थी, और ये 150 रुपीज में मिल रही है बताओ। तो गाइज आप लोग भी जा सकते हो V2 में, नो प्रमोशन, V2 का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट गाइज वहाँ पे सेल बहुत सस्ती हो गई है ना तो आप लोग कर सकते हो भाई, मतलब गर्मियों के लिए भाई बहुत अच्छे कपड़े हैं। और 150 रुपये में क्या ही जा रहा है भाई, आप लोग का 50 रुपये का तेल लगाना भाई अपनी बाइक में और फिर V2 से शॉपिंग कर लेना 150 रुपीज में। और हम लोग शायद एक शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, मतलब अभी प्रॉपर जाएंगे हम, प्रॉपर हम लोग वैसे ही घूमने के लिए चले गए थे और फिर हम लोग वहाँ 3-4 आइटम ही उठा के लेकर के आ गए, बट हम एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पर 150 रुपीज का, एंड बिलिंग करते हुए भी आपको दिखाएंगे कि हमने सच में ही 150 रुपीज में लिया है। तो यही चीज़ थी भाई, बाकी आप सिनेमैटिक देखो भाई। बाय बाय गाइस, बाय बाय। चलो भाई प्रिया को तो ड्रॉप कर दिया, हम चलते हैं घर पे भाई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे घर पे ट्रक वगैरह आ गया था, मतलब रेता बजड़ी वगैरह जो था लेंटर डालने के लिए वो सब काम तो हो गया, बाकी कल फंटी वगैरह आएंगी है ना दादी, तो फिर उसके बाद आगे का काम प्रोसेस चालू होगा। चीज और बता दूं कि अभी हमारे खेतों का काम भी चल रहा है ना, तो उस चीज से भी मतलब उसकी वजह से भी ये काम बन रहा है ना दादी, खेतों पे काम चल रहा है ना, पौध वगैरह लग रही है भाई, तो यही सीजन होता है वो पौध वगैरह लगाने का, तो वो सब चीजें हो रही हैं। बाकी फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। होप करता हूं कि आपको ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये वाला ब्लॉग पूरा देखा होगा, बाकी शेयर कर देना गाइस इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय।